ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के एंड्रॉइड 12 वन यूआई 4.0। तो सैमसंग ने मतलब भाई काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रोल आउट कर दिया, इंक्लूडेड इंडिया। इंडिया में तो मतलब बहुत सारे स्मार्टफोन्स के लिए आ चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पर 4.0 हमें देखने को मिलता है वन यूआई का वर्जन इंस्टेड ऑफ वन यूआई 4.1। एंड पीछे इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि सैमसंग स्टेबल एंड्रॉयड 12 के साथ में यहाँ पर हमें वन यूआई का जो वर्जन है वो भी अपग्रेड कर देगा, 4.1 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, सैमसंग ने उसको होल्ड कर दिया। अब होल्ड क्यों किया है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सैमसंग का S21 का एक अपग्रेडेड मॉडल आने वाला है, सैमसंग S22। तो सैमसंग उसके साथ में वन यूआई 4.1 को जो है लॉन्च करेगा एंड वहाँ पर कुछ नए फीचर्स और नए ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पर रिवील करेगा अपने नए यूज़र इंटरफेस के साथ में। अभी जितने स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलना है उन सभी को यहाँ पर 4.0 ही देखने को मिलेगा। बट जब S22 लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद में सैमसंग जो है FOTA अपडेट के थ्रू जिन डिवाइसेस में 4.0 ऑलरेडी होगा उन डिवाइसेस के अंदर सैमसंग 4.1 का अपडेट जो है प्रोवाइड कराने वाला है। अब यहाँ पर सैमसंग सभी स्मार्टफोन्स को नहीं प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर सैमसंग अपने कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स को प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर फ्लैगशिप जो स्मार्टफोन्स है सैमसंग उनके अंदर प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि जो कि ऑलरेडी कन्फर्म्ड है, चाहे फोल्डेबल स्मार्टफोन हो, चाहे वो सैमसंग के S21 सीरीज़ के हो, चाहे सैमसंग के नॉट 20 सीरीज़ के हो, इवन यहाँ पर सैमसंग S20 सीरीज़ भी कन्फर्म्ड है। ऑल्दो यहाँ पर सैमसंग के S10 सीरीज़ और नॉट 10 सीरीज़ के बारे में ऐसी एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इनको अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर ये स्मार्टफोन्स ऑलरेडी कन्फर्म्ड हैं। अब यहाँ पर फ्लैगशिप यूजर्स जो हैं उनको तो फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, उनको अपडेट भी सबसे पहले ही मिल जाएगा। स्पेशली S21 सीरीज़ के यूज़र्स के लिए उनको सबसे पहले जो अपडेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद में S20 सीरीज़ एंड देन नोट 20 सीरीज़ एंड देन सैमसंग की जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है सैमसंग उनको भी अपडेट प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा भी सैमसंग का जो A सीरीज़ है वहाँ पर सैमसंग का A52S5G है, सैमसंग A52 है एंड सैमसंग A72 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्मार्टफोन्स चार हैं यहाँ पर, सैमसंग का A20, A52 5G भी मेंशन है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं आता तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो कह सकते हो आप जो इंडियन मॉडल है उसके हिसाब से 3 A सीरीज़ के स्मार्टफोन भी इंक्लूडेड हैं, जिनको कि सैमसंग जो है एंड्रॉयड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 का जो अपडेट है वो प्रोवाइड कराएगा। एंड यहाँ पर कब तक प्रोवाइड कराएगा एज सच कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि एग्जैक्टली डेट हो, बट हाँ इतना कह सकते हैं कि S22 जब लॉन्च हो जाएगा उसके आप करीब अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, करीब 3 महीने के अंदर A सीरीज़ में आ जाएगा। ऑल्दो 1 महीने के अंदर अंदर जो है सैमसंग अपने फ्लैगशिप जो कैटेगरी है यहाँ पर S21 सीरीज़ उसका प्रेडिसर उसके अंदर रिलीज़ कर देगा, क्योंकि सैमसंग बहुत तेज़ी से जो है अपने पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर के आता है, लेटेस्ट फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए जो S सीरीज़ के यूज़र्स होते हैं उनको मिल जाते हैं। वेल, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सैमसंग का जो और A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं या M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उनको मिलेगा तो, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो स्मार्टफोन्स कंफर्म हुए हैं मैंने आपको उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे ही यहाँ पर और स्मार्टफोन्स ऐड होते हैं तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें, एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।